हिमाचल की राजधानी शिमला के कनलोग इलाके में बनी मजदूरों की एक ढारे से वीरवार देर रात तेंदुआ एक बच्ची को उठा ले गया, जहां शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची का सर मिला है, जिसके चलते वन्यजीव विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 5 साल की ये बच्ची यहां अपने परिवार के साथ रहती थी। होंडा शोरूम के साथ लगती जमीन पर कई मजदूरों के ढारे हैं। इनमें से कई मजदूरों के पास पालतू कुत्ते भी हैं। अंदेशा है कि ये तेंदुआ कुत्ते के लिए घात लगाए बैठा था, लेकिन जैसे ही एक ढारे से बच्ची बाहर निकली तो तेंदुए ने इसे उठा लिया। कई लोगों के सामने ही तेंदुआ साथ लगते जंगल में गायब हो गया। बच्ची के परिजनों को पता चलते ही तेंदुआ जंगल में भाग चुका था। बाद में इसकी सूचना न्यू शिमला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन्य जीव विभाग को इसकी सूचना दी। देर रात करीब 11 बजे वन्यजीव विभाग और पुलिस ने साथ लगते जंगल में सर्च अभियान किया। देर रात तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया था। शुक्रवार सुबह बच्ची का सिर मिला है, जिसके चलते पूरे इलाके में खौफ का मंजर बना हुआ है। यहाँ तो मैं बैठी थी, रोटी बना रही थी और लड़के वहाँ सुसु करने गई, फिर बाल्टी की आवाज आई तो गिर गई, बोल के मैं दौड़ के गई। फिर वो प्रियंका बोल के आवाज़ मारी, वो आवाज़ भी नहीं सुने दी। तब अंधेरा में मैं अंदर गई, टॉर्च लेके आई। फिर टॉर्च लेके आई, फिर उतना मैं एक लड़का आया, ए बुढ़ी तेरा नाती कहाँ बोल रहे, यहाँ जो गिरी की क्या की, बाल्टी की आवाज़ आई। अरे तो उसने वो लड़का ने बोला कि तेंदुआ ले जा रही थी, मैंने देखा। हम लोग तो वो ढूंढ रहे थे काफ़ी रात तक, पुलिस लोग भी आए थे 2 बजे तक ढूंढे। तो ऐसी घटनाएं पहले इस तरह की तो नहीं हुई कि लेके ही चला गया? पहले भी यहाँ पे शिवपुरी नामक जो हमारा एक एरिया है, वहाँ पे तेंदुए ने एक चलते रहाई की बाजू पूरी उतार ली थी। उसके बाद ये नीचे कनलोग में कल्याणा गाँव है, वहाँ पर भी घूमता है, लोगों के घरों में भी गया, पर जैसे पिंजरा भी लगाया फॉरेस्ट वालों ने, पर कोई फायदा नहीं हुआ उसका, उसमें फंसा ही नहीं। वो डायरेक्शन चेंज कर लेता था, कभी इधर कभी उधर। आजकल भी बेमलोई में भी, फिर ये ऊपर गुर्राज है वहाँ पे भी इसको देखा गया है। पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गया था, पुलिस से भी काफ़ी लोग आए थे, तो छानबीन इन्होंने की रात को। पर रात को कुछ उनके हाथ लगा नहीं। सुबह वो जो लड़की का सिर है उससे थोड़ा सा ज्ञात हुआ कि लड़की को लेके ही गया है और लड़की को उसने वहीं तेंदुए द्वारा 5 साल की बच्ची पर हमले के मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे को दुखद करार देते हुए कहा कि सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई तेंदुआ आदमखोर घोषित होता है तो उसे मारने के आदेश भी जारी कर दिए जाएं, ताकि इस तरह की अन्य और घटनाएं घटित न हो सके। बहुत दुख का विषय है जो आज सुबह ही मुझे सूचना मिली, और ऐसी एक छोटी बच्ची के ऊपर तेंदुआ का हमला और उसकी दुखद मृत्यु भी हुई। तो जहाँ तक इसमें क्योंकि होती तो घटना ये आइसोलेटेड है, कहीं कहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी लेपर्ड अगर मैनीटर घोषित कर दिया जाए तो उसको फिर मारने के भी आदेश देने के लिए हमको कोई कठिनाई नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ा जाए ताकि और घटनाएं घटित ना हो। लेकिन इफ एट ऑल अगर वो घटनाएं इस तरह की और जगह भी अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको फिर मारने के आदेश भी जारी किए जाते हैं। शिमला नगर निगम के अंतर्गत ये कनलोक का क्षेत्र है, और शिमला वैसे भी देवदार और जंगल यहाँ पर बहुतात में रहते हैं। इसी क्षेत्र में जो है एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो काम करते थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो है वो एक बच्ची जो है वो बताया गया है कि तेंदुआ जो है वो कल रात को 8-9 बजे के करीब जो है वो आया और उसे उठा करके ले गया। जहाँ बताया जा रहा है कि
कुत्ते जो हैं वो थे, वो कुत्तों की ताक में होगा, लेकिन बाई चांस जो है वो अपने दादा दादी के पास रहने वाली बच्ची थी, वो बाहर जो है वो टॉयलेट इत्यादि के गई और पिछली साइड को, और वहाँ से उठा करके ले गए। और क्षत विक्षत दशा में जो है वो लाश मिली है उसकी। फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग जो है, उन्होंने पिंजरे भी यहाँ लगा रखे हैं और ट्रैप लाइट्स लगा रहे हैं और स्वयं भी जो है पूरी सर्वेलेंस कर रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो कल रात से ही मेरे बच्चे को ढूंढ रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ पर चौकसी रखी हुई है। तो बच्ची जो है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसके पिता जो है कहीं झारखंड में ही रहता है और माँ जो है वो छोड़कर के चली गई है। दादा दादी के पास जो है बच्ची रहती थी, तो उनको जो है फौरी सहायता अभी जो है वो दे दी गई है और उसके जो पिता हैं दूसरे हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है झारखंड में। वो आएंगे तो उनसे बात करके जो है वो अगर और कोई सहायता की आवश्यकता होगी करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत जो है वो इस क्षेत्र में लेपर्ड जो है वो फिर से दोबारा आकर के जो है वो किसी की जानी नुकसान ना करे, इसके लिए जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ जो हमारा विभाग है उसने जो है वो सारे जो पिंजरे इत्यादि जो लगाने हैं, जैसा मैंने कहा ट्रैप लाइट्स, वो सब कुछ जो है लगा रहे हैं और उसको जो है वो सर्विलेंस जो है वो पूरी तरह से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।